नमस्कार दोस्तों, आज हम भूगोल एक विषय के रूप में के चौथे भाग के बारे में चर्चा करेंगे और इस वीडियो में हम जानेंगे भौतिक भूगोल के महत्व के बारे में और भूगोल में द्वैतवाद के बारे में। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इसके बारे में। अब यहाँ हम जानेंगे भौतिक भूगोल के महत्व के बारे में, लेकिन भौतिक भूगोल के महत्व को जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि हमें भौतिक भूगोल का महत्व क्यों जानना चाहिए। तो जैसा कि हम जानते हैं, ये जो भी हम पढ़ रहे हैं, ये सभी अध्याय जो है वो संबंधित है पुस्तक भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत से। तो इसीलिए हमें भौतिक भूगोल के महत्व के बारे में जानना चाहिए। अब हम जानेंगे भौतिक भूगोल क्यों महत्वपूर्ण विषय है। तो भौतिक भूगोल के अंदर हम पढ़ते हैं भूमंडल के बारे में, वायुमंडल के बारे में, जल मंडल के बारे में और जीव मंडल के बारे में। और ये सभी मंडल जो हैं वो मानव के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए भौतिक भूगोल जो है एक महत्वपूर्ण विषय है। और इसे हम इस चित्र के द्वारा भी समझ सकते हैं। ये वायुमंडल है और जल मंडल है, ये स्थल मंडल है और ये जीव मंडल है। तो यहाँ हमने जाना कि भौतिक भूगोल क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें हम विभिन्न मंडल के बारे में पढ़ते हैं, जैसे भूमंडल, वायुमंडल, जल मंडल और जीव मंडल। और ये सभी मंडल जो है वो मानव के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इन मंडल को समझने के लिए हमें भौतिक भूगोल का अध्ययन करना चाहिए, इसीलिए ये एक महत्वपूर्ण विषय है। अब जैसा कि हम लोगों ने चर्चा किया कि भौतिक भूगोल जो है वो इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल और जीव मंडल के बारे में अध्ययन करते हैं और ये प्रत्येक मंडल जो है वो मानव के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ हम देखेंगे कि कैसे स्थल मंडल जो है वो मानव के लिए महत्वपूर्ण है। तो स्थल मंडल में हम भू आकृतियों के बारे में पढ़ते हैं और ये भू आकृतियाँ जो हैं ये आधार प्रस्तुत करती हैं जिसपे मानव जो है विभिन्न क्रियाएं संपन्न करते हैं। और यहाँ हम देख सकते हैं ये स्थल मंडल है, जैसे कृषि के लिए मैदानों का उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ ये स्थल मंडल में पहाड़ और पठार भी पाए जाते हैं और जंगल भी पाए जाते हैं जो खनिज और चारगाह प्रदान करते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि कैसे स्थल मंडल जो है वो मानव के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मानव जो भी क्रियाएं करते हैं वो इसी स्थल मंडल पे करते हैं, इसीलिए ये महत्वपूर्ण है और इसका अध्ययन हम करते हैं भौतिक भूगोल में। अब हम देखेंगे कि कैसे वायुमंडल जो है वो महत्वपूर्ण है मानव के लिए। तो वायुमंडल के अंदर हम पढ़ते हैं जलवायु के बारे में और ये जलवायु जो है वो मानव के घरों के प्रकार को प्रभावित करते हैं, साथ ही साथ कपड़े और भोजन को भी प्रभावित करते हैं, इसीलिए हमें वायुमंडल का अध्ययन करना चाहिए। ये वायुमंडल जो है ये फसल के पैटर्न, वनस्पति, पशुधन और उद्योगों को भी प्रभावित करता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि कैसे वायुमंडल जो है वो सीधे मानव और मानव के क्रियाओं को प्रभावित करता है, इसीलिए हमें वायुमंडल का अध्ययन करना चाहिए। जल मंडल के अंदर हम पढ़ते हैं विभिन्न जल परिमंडल के बारे में जो स्थित है हमारे धरती पे, और ये पानी जो है वो मानव की बुनियादी जरूरत है। साथ ही साथ समुद्र जो है संसाधनों का भंडार होता है और ये तापमान को नियंत्रित भी करता है और वायुमंडलीय घटना को भी प्रभावित करता है। तो इस तरह जल मंडल जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है मानव के लिए और इसका अध्ययन करना चाहिए। आइए अब देखेंगे हम जीव मंडल का महत्व। तो जैसा कि हम लोगों ने पहले चर्चा किया, स्थल मंडल बहुत महत्वपूर्ण है मानव के लिए क्योंकि मानव जो भी क्रियाएं करते हैं वो इसी स्थल मंडल पे करते हैं। साथ ही साथ वायुमंडल भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वायुमंडल जो है वो संबंधित है जलवायु से और ये जलवायु जो है वो सीधे मानव को प्रभावित करते हैं।
जल मंडल में हम पढ़ते हैं विभिन्न जल परिमंडल के बारे में जो स्थित है पृथ्वी पे। और जैसा कि हम जानते हैं कि जल जो है मानव की बुनियादी जरूरत है, इसीलिए हमें जल मंडल का अध्ययन करना चाहिए। ये तीनों मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल, जहाँ मिलते हैं वहाँ जीव मंडल पाया जाता है। और ये जीव मंडल जो है वो पृथ्वी पे जीवन के सभी रूपों का क्षेत्र है। तो इस जीव मंडल के बारे में भी हम अध्ययन करते हैं भौतिक भूगोल में। तो यहाँ हमने जाना कि कैसे भौतिक भूगोल जो है वो महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि ये इन मंडलों के अध्ययन से संबंधित है। और ये सभी मंडल जो है वो मनुष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ हम फिर से देखेंगे भौतिक भूगोल का महत्व। तो हम जानते हैं कि भौतिक भूगोल में हम प्राकृतिक संसाधनों के बारे में अध्ययन करते हैं जो पाए जाते हैं इस पृथ्वी पे। तो भौतिक भूगोल जो है वो प्राकृतिक संसाधनों के मूल्यांकन एवं प्रबंधन से संबंधित विषय के रूप में विकसित हो रहा है, जो इसे एक और भी महत्वपूर्ण विषय बनाता है। साथ ही साथ मनुष्य जो है वो भौतिक पर्यावरण से संसाधन प्राप्त करता है और अपना आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास सुनिश्चित करता है। इसीलिए भी भौतिक भूगोल जो है वो एक अहम और बहुत महत्वपूर्ण विषय के रूप में उभर के आया है। सतत विकास के लिए भी भौतिक वातावरण का ज्ञान आवश्यक होता है। अब सतत विकास क्या है? सतत विकास को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी कहते हैं, जिसमें हम प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान में इस तरह प्रयोग करते हैं कि हमारे आने वाले पीढ़ियों के लिए भी ये संसाधन बचे रहे और इनका क्षय ना हो, और आने वाली पीढ़ी अपना आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास कर सके इन प्राकृतिक संसाधनों से। तो यहाँ हमने जाना भौतिक भूगोल जो है वो एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में क्यों विकसित हो रहा है। अब हम जानेंगे भूगोल में द्वैतवाद के बारे में। तो पहले जानेंगे हम द्वैतवाद किसे कहते हैं। जब दो विपरीत या अलग संस्था जिनकी विभिन्न विचारधारा होते हैं वो एक ही समय में पाए जाते हैं, तो ऐसे दो विपरीत या अलग संस्थाओं के अस्तित्व को द्वैतवाद कहा जाता है। अब जब हम भूगोल विषय में देखेंगे तो भूगोल में विभिन्न द्वैतवाद पाए जाते हैं, जैसे भौतिक छंद मानव भूगोल। बहुत सारे विद्वान जो भूगोल में योगदान दिए वो ऐसा मानते थे कि भूगोल का मतलब होता है सिर्फ भौतिक विशेषताओं का अध्ययन, अर्थात सिर्फ भौतिक भूगोल का अध्ययन करना चाहिए। जबकि धीरे धीरे बहुत सारे ऐसे विद्वान आए जिनका मानना था कि मनुष्य जो है जो पृथ्वी पे रह रहे हैं वो पृथ्वी और प्रकृति के अभिन्न अंग है, और ये मानव जो है अपनी क्रियाओं से प्रकृति और पृथ्वी को प्रभावित करते हैं, इसीलिए हमें मानव भूगोल का भी अध्ययन करना चाहिए और ये इतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि भौतिक भूगोल। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि कैसे दो विपरीत विचारधारा एक ही समय में पाए गए भूगोल में, जिसमें पहले कुछ विद्वानों ने सिर्फ भौतिक भूगोल को महत्वपूर्ण माना, और उसी समय में कुछ ऐसे विद्वान भी आए जिन्होंने मानव भूगोल को महत्वपूर्ण माना। तो ऐसे विचारधारा को हम कहते हैं द्वैतवाद। दूसरा द्वैतवाद जो भूगोल विषय में पाया गया वो है क्रमबद्ध छंद प्रादेशिक भूगोल। और इस द्वैतवाद में कुछ विद्वानों ने ऐसा माना कि हमें भूगोल में अध्ययन जो है वो क्रमबद्ध उपागम के आधार पर करना चाहिए, जबकि कुछ विद्वानों ने प्रादेशिक उपागम को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना, और वे माने कि भूगोल में हम जो भी अध्ययन करें वो प्रादेशिक उपागम पर आधारित होना चाहिए। तो ये था द्वैतवाद जो भूगोल में पाया गया। तो इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि भौतिक भूगोल क्यों महत्वपूर्ण विषय है और भूगोल में द्वैतवाद कौन कौन से पाए गए। संदर्भ के लिए हम देख सकते हैं एनसीईआरटी बुक भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। अगले वीडियो में हम देखेंगे कुछ अभ्यास प्रश्न जो संबंधित है इस अध्याय से, और ये अभ्यास प्रश्न जो है वो परीक्षा दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।